वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में। ये टॉपिक कवर करेगा आईएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और सारे स्टेट बोर्ड्स में। ठीक है, क्या होता है इंटरनेशनल बिजनेस, पहले इसके बारे में बात करेंगे। इट इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ओवरसीज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ओवरसीज ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ कैपिटल, एक्सचेंज ऑफ पर्सनल, एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी। आप इसको ध्यान से समझते हैं। इसमें बता रहा है कि वो सारी एक्टिविटीज़ जिसमें हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाके हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो हमारे इंटरनेशनल ट्रेड का हिस्सा होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अब आप इंडिया में रहते हैं और आप गए यूएस में और आपको लगा कि कोई बिज़नेस हम यहाँ पर कर सकते हैं और आपने वहाँ पर कोई बिज़नेस एस्टैब्लिश कर लिया, तो इसको क्या करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। या फिर आपने किसी कंपनी, आपको लगा कि हाँ फेसबुक बहुत अच्छा रन कर रहा है तो आपने फेसबुक में पैसे लगा दिए, तो ये भी एक तरीके का इंटरनेशनल बिजनेस ही कहलाएगा क्योंकि एक तरीके का फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, अब आते हैं ओवरसीज़ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब क्या हुआ कि हम दूसरी कंट्रीज़ में जाके गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऐसा बहुत सारा टाइम होता है, जैसे कि अब हमें लगता है कि यहाँ पे अगर हम कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया में प्रोड्यूस करते हैं और यहाँ से जाके फिर अगर कहीं पे भेजेंगे तो महंगा पड़ेगा, तो ऐसे कंपनीज क्या करती हैं, कंपनी उसी कंट्री में अपना फैक्ट्री यूनिट लगा लेती हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं सैमसंग का, सैमसंग इंडिया की कंपनी तो है नहीं, अब सैमसंग को लगा कि इंडिया हमारा अच्छा सेल हो रहा है और उसका साथ साथ आप देखोगे एमआई का भी, तो इन्होंने क्या किया अपने असेंबलिंग प्लांट यहाँ पर लगवा दिए, तो उससे होता क्या है, अब उनका बहुत सारा पैसा ट्रांसपोर्टेशन का बच जाता है, वो बल्क में गुड असेंबल कर लेते हैं यहाँ पे, जो भी उसके रॉ मटेरियल्स होते हैं यहाँ मंगा के यहाँ पे असेंबलिंग कर लेते हैं। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है ओवरसीज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का, मतलब किसी दूसरे कंट्री में जाके आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करिए, तो वो भी आपका पार्ट होगा इंटरनेशनल बिजनेस का। देखिए उस पर इंटरनेशनल की स्पेलिंग गलत हो गई है, इसको माइंड मत करिएगा, INTE होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग ओवरसीज ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या हुआ कि आप दूसरे कंट्री में जाके वहीं पे गुड्स खरीद के आप सेल कर रहे हो, तो ऐसा भी होता है कुछ बिजनेसमैन होते हैं उनको लगता है कि मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करूँगा, मुझे पता है कि कहाँ पे सस्ते गुड्स मिलते हैं, वो वहाँ से उठाए और उसने उन्हें उसी कंट्री में वो सेल कर दिए, तो ये भी आपका इंटरनेशनल बिजनेस में ही आएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एक्सचेंज ऑफ कैपिटल। एक्सचेंज ऑफ कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि हमने कोई लोन ले लिया या फिर हमने किसी कंट्री के कंपनी को लोन दे दिया, तो दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे, लोन लेना और लोन देना। अगर आपको बिजनेस करना है तो उस समय आपको पैसे की ज़रूरत है, तो आपने क्या किया कि किसी कंट्री से लोन ले लिया। ठीक है, जैसे कि आपकी वहाँ पे फैक्ट्री है, आपकी वहाँ पे उस पर्टिकुलर कंट्री में आपका पूरा यूनिट बैठा हुआ है, तो आपने वहाँ पे ही सारा कुछ बैंक को दिखा के आपने वहीं पे लोन ले लिया, तो ये भी एक्सचेंज ऑफ कैपिटल भी इसमें आएगा। ठीक है, और उसके बाद एक्सचेंज ऑफ पर्सनल। पर्सनल का मतलब क्या होता है, टीम ऑफ वर्कर्स। ठीक है, टीम ऑफ पीपल्स को हम लोग पर्सनल कहते हैं, तो पर्सनल में क्या बता रहा है कि हमने यहाँ से एम्प्लॉइज़ भेजे अपनी दूसरी ब्रांच में जो दूसरी कंट्री में था, तो ये एक्सचेंज ऑफ पर्सनल में आएगा। या फिर हमने अपने ब्रांच में बाहर से कोई एम्प्लॉई मंगाया कि हमारे ब्रांच में वो अच्छे से काम कर सके, दूसरे कंट्री का एम्प्लॉई आ गया, तो ये भी हमारा इंटरनेशनल बिजनेस में आता है। उसके बाद है एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मतलब यहाँ पे हमने कोई सॉफ्टवेयर परचेज कर लिया किसी दूसरे कंट्री से या फिर अपने सॉफ्टवेयर को दूसरे कंट्री में सेल कर दिया, ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेट करती हैं। मतलब कोई भी एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं, अगर आप दूसरे नेशन से कर रहे हैं और वहाँ पे आप पैसा अर्न कर रहे हैं, अगर आप कोई पैसा अर्न कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट हो जाएगा, तो ये एक ब्रॉडर टर्म है। ठीक है, तो इंटरनेशनल बिजनेस क्या है, वो एक फुल फ्लेश चीज़ है, इसमें इसके पार्ट्स बहुत सारे हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे हम लोग बात करेंगे आगे इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, तो इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है वो इंटरनेशनल बिजनेस का ही एक पार्ट होता है। तो इंटरनेशनल ट्रेड क्या हुआ, अब ट्रेड का मतलब पहले समझेंगे क्या होता है। ट्रेड का मतलब होता है कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आप ट्रेड की बात करेंगे तो अगर हम गुड्स ऑफ सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं, परचेजिंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, तो उसी को हम ट्रेड कहते हैं। तो अब इंटरनेशनल, उसके आगे एक वर्ड जुड़ गया इंटरनेशनल, तो क्या चेंज आएगा, तो चेंज ये आएगा कि अब
वो जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो हम ट्रेड कर रहे हैं वो नेशन के बाहर कर रहे हैं, ठीक है। ट्रेड का बेसिक मतलब सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो होता ही है, तो इसमें तो कोई डाउट है नहीं। जब उसके आगे इंटरनेशनल वर्ड यूज़ हो जाएगा तो वही जो ट्रेड हम ट्रेड ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो हम अपने इंडिया में कर रहे थे वही ट्रेड और सर्विसेज हम इंडिया के बाहर करने लगते हैं, तो वो हमारे लिए इंटरनेशनल ट्रेड का एक अच्छा एग्जाम्पल हो जाता है, ठीक है। तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं इंटरनेशनल बिजनेस और इंटरनेशनल ट्रेड में लेके। देखिए इंटरनेशनल जो बिज़नेस है ये एक ब्रॉडर टर्म है, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल ट्रेड की बात करेंगे तो केवल उसमें उसका एक छोटा सा पार्ट है, इंटरनेशनल बिजनेस का छोटा सा पार्ट है इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। अब आते हैं इंटरनेशनल ट्रेड, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस, इट इंक्लूड्स एक्सचेंज ऑफ कैपिटल। अब कोई भी कैपिटल आपको एक्सचेंज ऑफ कैपिटल मैंने इंटरनेशनल बिजनेस में बताया था, क्या होता है इसमें कि आपको कैपिटल की ज़रूरत है तो आपने क्या किया, किसी कंट्री से आपने उधार ले लिया, आपका वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रन कर रहा था, मान लेते हैं आपका जो फैक्ट्री था वो US में था, ठीक है, US में आप फैक्ट्री रन कर रहे थे लेकिन आपको पैसे की ज़रूरत पड़ी तो आपने क्या किया, US के ही किसी बैंक से आपने लोन ले लिया, तो उसमें क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सचेंज ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे अब इंडिया में कोई बिजनेसमैन है, अब उसको लगता है कि उसको बिज़नेस नहीं करना, कहीं पैसे इन्वेस्ट करने, तो उसने क्या किया, किसी फॉरेन की कंपनी को लोन दे दिया, तो ये भी एक्सचेंज ऑफ कैपिटल में ही आएगा, ठीक है। या तो हम जाके वहाँ से लोन लें या फिर हम किसी को लोन दे दें, ठीक है, बिज़नेस करने के लिए, ये समझिएगा, तभी एक्सचेंज ऑफ कैपिटल आएगा, ठीक है। अब आते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, अब गुड्स एंड सर्विसेज में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कि अब गुड्स तो आप समझते ही हैं, कोई भी गुड्स को हम लोग टेंजिबल आइटम्स हो गया, यहाँ से वहाँ तक ट्रांसफ़र हुआ या वहाँ से यहाँ तक आया, ठीक है, कोई भी गुड्स हम जाके US में सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी हमारा इंटरनेशनल ट्रेड का एक अच्छा एग्जांपल हो गया। अब सर्विसेज में क्या चीज़ें आएंगी, सर्विसेज में बैंकिंग सर्विसेज आ गई, जैसे अब इंडियन बैंक्स हैं, इंडियन बैंक्स जाके फॉरेन में अपना ब्रांच इस्टेब्लिश कर ली और वहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, या फिर फॉरेन की बैंक यहाँ पे आके, जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, ये सब फॉरेन की बैंक है, वो हमारे इंडिया में आके वर्क कर रही हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज। वेयर हाउसिंग, हमने कोई वेयर हाउस ओपन कर लिया, वेयर हाउस समझते हैं आप लोग, गोडाउन, एक बड़ा गोडाउन जहाँ पे हम लोग गुड्स को स्टोर करते हैं तब तक जब तक वो गुड्स सेल ना हो जाए, ठीक है। तो हमने अपने यहाँ पे वेयर हाउस खोल लिया, अब यहाँ पे आके फॉरेन जो कंपनीज हैं वो गुड्स रख रही हैं, या फिर हमने जाके US या फिर किसी भी अलग नेशन में जाके वहाँ पे वेयर हाउस ओपन कर लिया, अब वहाँ पे भी वो सारे गुड्स अपने रख रहे हैं तो हम भी वहाँ से पैसे अर्न कर रहे हैं, तो वेयर हाउसिंग भी एक तरीके का सर्विस हो गया। अब एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग तो आप समझते ही हैं, एडवर्टाइजिंग में क्या होता है कि हम किसी दूसरे कंट्री के प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हमारे प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग कोई दूसरे कंट्री का कंपनी कर रही है, तो वो सारा कुछ इसमें आएगा इंटरनेशनल ट्रेड में। द मेजर रीज़न ऑफ इंटरनेशनल, द मेजर रीज़न ऑफ द ट्रेड बिटवीन द नेशंस आर एज फॉलोज। क्यों होता है ट्रेड, क्यों ज़रूरत पड़ जाती है ट्रेड की, क्यों कोई नेशन ट्रेड करता है, बिना ट्रेड किए क्यों कोई नेशन अच्छे से नहीं रह सकता, ज़रूरी है ना ट्रेड। तो देखते हैं, द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए नेचुरल रिसोर्सेज आप समझते ही हैं कि जो भी नेचर से हमको रिसोर्सेज मिल रहे हैं उसका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब किसी नेशन को बहुत ज़्यादा मिला हुआ है, किसी नेशन को बहुत कम मिला हुआ है, तो उस चीज़ को अनइक्वल जो है उसी वजह से हमको एक दूसरे की ज़रूरत पूरी करने के लिए हमको इंटरनेशनल ट्रेड करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अब क्रूड ऑयल की बात कर लेते हैं, तो क्रूड ऑयल में क्या है, जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं उनके पास ये क्रूड ऑयल का पूरा एक बहुत बड़ा रिसोर्स है उनके पास, ठीक है, तो अब वो इतना क्रूड ऑयल करेंगे क्या, तो उनके पास जो चीज़ें नहीं हैं वो हमारी कंट्री से ले लेती हैं, और हमें लगता है कि क्रूड ऑयल हमारे पास नहीं तो हम दूसरे कंट्री से ले लेते हैं, तो यही हुआ इन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। जिस कंट्री में बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स है वो अपने नेचुरल रिसोर्स को एक्सपोर्ट कर देता है ताकि वो दूसरे कंट्रीज़ भी उसका यूज़ कर सकते हैं और उससे अच्छा पैसा वो कमा सकें, ठीक है, तो इसका मतलब वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब आते हैं द डिफरेंस इन देयर प्रोडक्टिविटी लेवल। प्रोडक्टिविटी लेवल का मतलब क्या हो गया, अब कुछ नेशंस होती हैं बहुत ज़्यादा इक्विप्ड होती हैं टेक्नोलॉजी को लेके, तो उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज तो होते ही हैं लेकिन उनका प्रोडक्शन का जो लेवल होता है वो बहुत हाई होता है। इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल चाइना का है। अब US की भी जो कंपनीज होती हैं वो जाके चाइना में गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग कराती हैं, क्यों, क्योंकि उनके जो रॉ मटेरियल्स हैं और उनके जो प्रोडक्शन का जो उनका तरीका है वो बहुत ज़्यादा सस्ता है, तो
सबको प्रॉफिट वहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो यूएस के भी अगर आप कोई भी प्रोडक्ट्स खरीदते हो, आप देखोगे ज़्यादातर वो मेड इन चाइना होती है। तो चाइना आपकी प्रोडक्टिविटी लेवल इतनी ज़्यादा हाई कर दिया है कि सारी कंट्रीज़ को वो अट्रैक्ट करता है अपने प्राइस और रेट को लेके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि दो पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड क्यों होता है नेशंस के बीच में, एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और दूसरा हो गया डिफरेंस इन देयर प्रोडक्टिविटी लेवल। जो मैंने एग्जांपल दिया, आप अपने एग्जांपल्स अपने एग्जाम्स में लिख सकते हैं, बहुत ही रिलेवेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आते हैं फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट्स अभी इसमें छूट गया या फिर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आया, तो हम लोग उसका इंडिविजुअल वीडियो बना देंगे, आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख दीजिएगा। और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।